सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि जानते हैं, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जिस वजह से बिहार को जाना जाता है। फिर एक बार बिहार सुर्खियों में आ चुका है। बिहार के गोपालगंज में जन्मे प्रदीप सिंह ने आज अपने जिले के ही नहीं पूरे भारत और उत्तर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 21 साल की उम्र में प्रदीप सिंह ने घर की माली हालत खराब होने के बावजूद भी 93 रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बन चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदीप सिंह के पिता पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे और उन्हें के भाई बड़े भाई गुजरात में किसी कंपनी में काम करते थे। दोनों बाप बेटे मिलकर छोटे भाई प्रदीप सिंह की खर्चा उठाने की ठान ली, क्योंकि प्रदीप सिंह का कहना था कि मैं कुछ काम भी करूंगा, प्राइवेट जॉब भी करूंगा, अपने पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन पिता और भाई ने मिलकर उन्हें ये आश्वासन जताया कि आप केवल पढ़ाई करिए, अपने आप अफसर बन सकते हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, न कि पैसे पे। भाई और पिता की इस कड़ी मेहनत के बाद ही प्रदीप सिंह ने वो सफलता हासिल कर लिया जो दुनिया के लोग सोचते हैं। और आपको बता दें कि प्रदीप के पिता ने अपने घर तक को बेच दिया पढ़ाई में, बेटे की पढ़ाई खर्च उठाने के लिए, साथ ही किराए के मकान में रहते थे। माता अनीता देवी का कहना है कि मेरा बेटा आज दूध का कर्ज चुका दिया, आज पूरे भारत सहित पूरे जिले और बिहार का नाम रोशन कर दिया है। मैं चाहती हूं कि पूरे देश से ऐसे ऐसे लड़के निकल कर बाहर आएं जो देश के साथ ही अपने घर जिले राज्य की नाम रोशन करें। साथ ही बता दें, प्रदीप सिंह का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे मेरे परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया, पिता और भाई ने मिलकर दिल्ली की पढ़ाई का खर्च उठाया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्राथमिक सैनिक परीक्षा की तैयारी के साथ जॉब करने की इच्छा जताई तो घर वालों ने भरोसा जताते हुए कहा कि तुम अफसर बन सकते हो। मैं खुद काफ़ी खुशकिस्मत मानता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहा। प्रशासनिक सेवा में जाने का मुख्य मकसद समाज सेवी करना चाहता हूं। ये था प्रदीप सिंह का कहना था। आप समझ चुके होंगे कि इसी तरह से हम बी न्यूज कामना करता है कि देश के हर गली हर एक कोने से प्रतिभा व्यक्ति निकले और देश राज्य गांव की नाम रोशन करें। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और 2019 की लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर जानने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।